press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. कोटा में राज्य पीसीपीएनडीटी प्रकोष्ठ ने बेटियों की कोख में हत्या करने वाले एक डॉक्टर और उसके सहयोगी को गिरफ्तार किया है। पीसीपीएनडीटी प्रकोष्ठ ने इस वर्ष की 11वीं और अब तक की 107वीं कार्यवाही की है। इस दौरान कोटा स्थित सुविधा डायग्नोस्टिक सेंटर पर भ्रूण लिंग जांच में लिप्त चिकित्सक डॉक्टर मुकुल कोकास और एक दलाल आमीन मोहम्मद को गिरफ्तार किया है। पीसीपीएनडीटी प्रकोष्ठ को मुखबिर से कोटा शहर और आसपास की गर्भवती महिलाओं का भ्रूण लिंग जांच करने की शिकायतें मिल रही थी। सूचना की पुष्टि के बाद कार्यवाही के लिए दल बनाया गया। इस टीम की चिकित्सक के दलाल आमीन से मोबाइल पर बात हुई। इसके अनुसार महिला को बोगस ग्राहक बनाकर तालेड़ा बस स्टैंड जिला बूंदी भेजा गया। वहां दलाल आमीन मिला और गर्भवती महिला और सहयोगी महिला को कार से सर्किट हाउस के पास कोटा ले गया। दलाल आमीन ने दूसरे सहयोगी दलाल महावीर से संपर्क किया और उसे सर्किट हाउस बुलाया। वहां राशि लेकर सर्किट हाउस के पास अस्पताल में एक महिला चिकित्सक ने गर्भवती महिला की सोनोग्राफी स्लिप बनवाई। इसके बाद दलाल आमीन इन महिलाओं को सुविधा डायग्नोस्टिक सेंटर ले गया। इस सेंटर पर सहयोगी महिला का इशारा पाकर टीम ने डॉक्टर मुकुल कोकास और दलाल आमीन को दबोच लिया। दोनों की मौके पर तलाशी लेकर राशि बरामद कर ली गई। वही एक अन्य दलाल महावीर की तलाश जारी है। झालावाड़ जिले में डॉक्टर मुकुल कोकास के खिलाफ पीसीपीएनडीटी अधिनियम के तहत एक प्रकरण न्यायालय में भी विचाराधीन है। कुल मिलाकर इस मामले ने दर्शाया है कि राज्य में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के नारे अपनी जगह हैं, लेकिन बेटियों को गर्भ में ही मारने का सिलसिला लगातार जारी है।